हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स 2015 सेट वन के क्वेश्चंस। ओके, 2015 में सेट वन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, इन वन ऑफ द पेयर ऑफ प्रोटोकॉल गिवन बिलो बोथ द प्रोटोकॉल कैन यूज द मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस। ठीक है, दोनों जो प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स वो क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ओके, देन विच वन ऑफ द इज दैट, आपको बताना है कि वो दो कौन से प्रोटोकॉल है, देन दे कैन यूज द मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास में ऑप्शन है एचटीटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी एंड एचटीटीपी एंड एसएमटीपी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज एचटीटीपी जो है फ्रेंड्स अगर नॉन पर्सिस्टेंट प्रोटोकॉल है, ओके, तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है टीसीपी कनेक्शन वहाँ पे चेंज होगा, मल्टीपल जो है कनेक्शंस वहाँ पे यूज होंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट टीसीपी कनेक्शन जो है मेंटेन होगा। ओके, और अगर मैं एफटीपी की बात करूँ तो फ्रेंड्स एफटीपी यूजेस द टू वर्जन्स, लाइक फर्स्ट इज द डेटा एंड सेकंड इज द कंट्रोल। दोनों के ही पोर्ट नंबर अलग अलग है, दोनों ही जो है मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। HTTP may use the different TCP connection, ठीक है, for a different objects, if a connection जो है कैसा हो, non-persistent type का हो, okay? अगर non-persistent type का है तो यहाँ पे जितने भी objects होंगे, like कोई images हो सकती है, कोई text हो सकता है, जितने भी objects हो सकते हैं उन सब के लिए जो है separate TCP connections यहाँ पे use होंगे। And FTP uses the two TCP connection, one for the data and second for the control, एक होता है data के लिए, एक होता है control के लिए। Telnet और FTP, Telnet and FTP can uses only one connection at a time. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, HTTP and FTP. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सपोज टू होस्ट यूजेज अ TCP कनेक्शन टू ट्रांसफर अ लार्ज फाइल। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्या कहा है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स With respect to the TCP connection, with respect to the TCP connection, आपको बताना है कि इन options में से चार जो हैं आपको statement दे रखे हैं, चारों में से कौन सा statement क्या है false है, ये हमको बताना है। ठीक है, false statement यहाँ पे हमको बताना है। ओके, तो friends first statement देखते हैं क्या कर रहे हैं friends, suppose the two host uses the TCP connection to transfer the large file, हम लार्ज फाइल भेज रहे हैं एंड वी आर यूजिंग द टीसीपी कनेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, हमको ये बताना है। चार ऑफ कंडीशंस जो हमको दे रखी है इसमें से कौन सी फॉल्स है ये हमें बतानी है, ट्रू नहीं फॉल्स बताना है। ओके फ्रेंड्स, इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट इज एम, ठीक है, इफ अ सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट इज एम, देन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सब सीक्वेंट सेगमेंट इज ऑलवेज एम प्लस वन। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है फ्रेंड्स के सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर है वो m है, तो सब सीक्वेंट सेगमेंट का जो जो सेगमेंट नंबर होगा वो m प्लस वन होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, गलत है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ फ्रेंड्स आपको क्या होता है। जैसे कि आप देखें, मान लीजिए बेसिकली सीक्वेंस नंबर इज अ बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द सेगमेंट। ठीक है, अब लेट से सेगमेंट जो है 500 जो है बाइट्स का है, सेगमेंट कंटेंट्स 500 बाइट्स which are from like ranges 1000 to 41499, okay? Then obviously बात है sequence जो sequence number होगा segment का वो क्या होगा 1000 होगा। अब जो next जो friends जो sequence number होगा, ठीक है, next segment का जो sequence number होगा वो actual में one m plus one नहीं होगा, यहाँ पे 1001 नहीं होगा, वो क्या होगा, it would be a 1500, वो क्या होगा 1500 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट कंटेंट्स कितने 500 बाइट है, इसलिए नेक्स्ट का क्या होगा सीक्वेंस नंबर 1500। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, इफ द एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज टी सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ द रीट्रांसमिशन टाइम आउट इज ऑलवेज सेट टू ग्रेटर देन और इक्वल टू द टी सेकंड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द साइज ऑफ द एडवर्टाइज विंडो नेवर चेंजेस। ठीक है, नेवर चेंजेस, ये स्टेटमेंट गलत है। इट चेंजेस, इट चेंजेस
during the course of the TCP connection. It changes at the receiver side. Okay, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. और लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स. द नंबर ऑफ द ACK unacknowledged bytes at the sender is always less than or equal to the advertised window. ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हाँ, दो स्टेटमेंट जो गलत हो गए वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट एंड थ्री ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी. तो फर्स्ट का जस्टिफिकेशन मैंने बता दिया था आपको. सेकंड का क्या, देखें आप, रिसीवर विंडो चेंजेस व्हेन द टीसीपी इज प्रोसेस्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर. रिसीवर विंडो जो है वो चेंज होगी, ठीक है, व्हेन टीसीपी डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द रिसीवर साइड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय द टिपिकल आईपी राउटर. ठीक है, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि आईपी हेडर के जो फील्ड्स हैं, ठीक है, कौन मॉडिफाइड नहीं होता है. विच वन ऑफ द फील्ड ऑफ आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय द टिपिकल आईपी राउटर. राउटर किन में से इनको मॉडिफाई नहीं करता है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स टाइम टू लीव फील्ड की, बिल्कुल जो है डिक्रीज होता है. जैसे ही नेक्स्ट आप जंप करेंगे पाथ के ऊपर, तो टाइम टू लीव जो फील्ड है वो डिक्रीज होता रहेगा. ओके, होप काउंट जो है वहाँ पे क्या होता रहेगा फ्रेंड्स? बढ़ता रहेगा. ओके, और चेकसम और लेंथ की बात करूँ फ्रेंड्स, चेकसम और लेंथ की बात करूँ तो ये भी क्या है, चेंजेस होते रहेंगे. ठीक है, लेकिन कभी भी सोर्स एड्रेस, हमारा जो सोर्स एड्रेस है वो कभी जो है राउटर के थ्रू जो है चेंज नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया, लेंथ एंड चेकसम कैन बी मॉडिफाइड व्हेन आईपी फ्रेगमेंटेशन हैपन्स. आईपी फ्रेगमेंटेशन हैपन्स में लेंथ और चेकसम जो है मॉडिफाइड होता रहेगा. एंड टीटीएल फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय एवरी राउटर ऑन द राउट टू द डेस्टिनेशन. ठीक है, डेस्टिनेशन की तरफ अगर हम राउट करेंगे तो TTL फील्ड जो है वो रिड्यूस होता रहेगा. तो लेंथ, चेकसम और डेस्टिनेशन ये जो है चेंजेस होते रहेंगे. सोर्स जो एड्रेस है, ओनली द सोर्स एड्रेस इज व्हाट आईपी एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स 2015 सेट 1 में पूछा गया है. कंसिडर अ लैन विद अ फोर नोड्स S1 टू S4. ठीक है, चार नोड्स दे रखे हैं अपन को, S1, S2, S3, S4. टाइम इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज स्लॉट. ठीक है, एंड अ नोड कैन बिगिन इट्स ट्रांसमिशन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हमको दे रखी है. कोलिजन इज सेट टू हैव एन अकर्ड इफ मोर देन वन नोड ट्रांसमिट इन द सेम स्लॉट. ऑब्वियसली बात है, कोलिजन अगर हो गई होगा सेम स्लॉट के अंदर जो है वो अगर ट्रांसमिशन करेंगे तो. द प्रोबेबिलिटीज ऑफ जनरेशन ऑफ अ फ्रेम इन अ टाइम स्लॉट S1 टू S4 ये हमको दे रखी है रेस्पेक्टिवली 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4. ठीक है, फ्रॉम S1 टू S4. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग अ फ्रेम इन अ फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन बाय एनी ऑफ द फोर स्टेशन इज व्हाट. ठीक है, तो हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग द फ्रेम इन द फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन, बिना कोलिजन किए फ्रेम सेंडिंग द फ्रेम इन द फर्स्ट स्लॉट, ठीक है, क्या होगी इन चारों स्टेशन के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो इसका एक सीधा साधा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, वो आप देखें यहाँ पर. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग अ फ्रेम इन अ फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन ऑफ दीज फोर स्टेशन इज द सम ऑफ द ऑल द फोर प्रोबेबिलिटीज. जितने भी हमको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है उनका आप सम कर दीजिए. अब सम भी कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी S1 की है. ठीक है, अगर S1 की जो है वो सेंड कर रहा है फ्रेम को, तो बाकी कोई दूसरा सेंड नहीं करेगा, नो वन एल्स सेंड द फ्रेम. अगर S2 की प्रोबेबिलिटी सेंड्स अ फ्रेम है, S2 जो है वे तो प्रोबेबिलिटी वो फ्रेम सेंड कर रहा है, तो बाकी दूसरे कोई सेंड नहीं करेंगे. इसी तरह से S3 और S4. तो यहाँ पे क्या होगा, S1 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, S1 की प्रोबेबिलिटी और S2, S3, S4, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, S1 की प्रोबेबिलिटी और S2 की प्रोबेबिलिटी, S3 और S4 की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं लेनी है यहाँ पे. तो हमें क्या करना, 1 से जस्ट माइनस कर दीजिए. ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, सिंपल S2 की ही प्रोबेबिलिटी जो है वो काउंट होगी.
बाकी सब की जो है प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स एस थ्री की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो काउंट होगी, वो एस थ्री ही फ्रेम को सेंड करेगा स्टेशन और बाकी कोई सेंड नहीं करेंगे, तो वन में से क्या किया हमने रिड्यूस कर दिया। और इसी तरह से लास्ट अगर मैं एस फोर की बात करूँ तो यहाँ पे एस फोर की जो है प्रोबेबिलिटी जो है काउंट होगी स्टेशन की और बाकी सबकी कोई भी नहीं होगी, सो वन माइनस हमने कर दिया। अब इनको सबको हम जो है ऐड सब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में 0.4404 और इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन देखें आप यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, रेंजेस आपको क्वेश्चन में जो है एग्जाम में दे रखी है, अगर यहाँ पे 0.6 भी हो जाता है 0.46 हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गेट एग्जाम उसको सही मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये है। सपोज दैट द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन अ लिंक विद अ बिट रेट ऑफ 64 kbps। ठीक है, 64 kbps 20 milliseconds प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ये सारी पैरामीटर हमको यहाँ पे गिवन है। अज्यूम दैट द ट्रांसमिशन टाइम फॉर ACK एंड द प्रोसेसिंग टाइम एट नोड्स आर नेग्लिजिबल ये कंडीशन हमको दे दी है। देन द मिनिमम फ्रेम साइज इन अ बाइट टू अचीव अ यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50% एफिशिएंसी जो है इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या फ्रेम साइज होगी वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिंक यूटिलाइजेशन आपको दे रखा है, अमाउंट ऑफ डेटा सेंड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कुड बी सेंड। ठीक है, लाइक एक्स जो है हमने अभी यहाँ पे फ्रेम साइज मान लिया है कि एक्स जो है वो फ्रेम साइज है जो हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, जो हमको क्या करना है निकालना है। एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वंस अ फ्रेम इज सेंड देन नेक्स्ट फ्रेम वुड नॉट बी सेंड अंटिल द ACK इज रिसीव्ड। जब तक कि हमें रिसीवर से जो है ACK रिसीव नहीं हो जाता है तो हम नेक्स्ट जो है फ्रेम वो सेंड नहीं करेंगे इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो फॉर टाइम दिस अ प्रोपोगेशन डिले ट्रांसमिशन टाइम प्रोपोगेशन डिले फॉर द ACK एंड ट्रांसमिशन टाइम फॉर द ACK ये चार पैरामीटर। उसके बाद में दिस इज द राउंड ट्रिप टाइम आने जाने का दोनों का टाइम, सो 20 देन ट्रांसमिशन टाइम मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ देन 20 और ये तो आपको जीरो दे रखा है एज इन द क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको एंड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड ड्यूरिंग द RTT इज ऑल्सो द एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यूज रखी हमने, मैक्सिमम डेटा सेंड कुड बी सेंड एट 40 + x / 64 × 64 इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफिशिएंसी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कितना दे रखी है 50% दे रखी है एटलीस्ट, तो 0.5 हमने लिख दिया और इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स को एक तरफ रख देंगे बाकी सबको हम उधर भेजेंगे तो 2560 bits। ठीक है, आंसर हमें बाइट में चाहिए। ठीक है, तो 8 का आप डिवाइड कर दें तो कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 320 bytes। तो जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में जो पैरामीटर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते गए। ठीक है, आपने फ्रेम जो साइज है उसको जस्ट आपने एक वेरिएबल एक्स मान लिया और जस्ट सिंपल कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा 320 bytes। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे CN 2015 सेट 1 के क्वेश्चंस और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा ये आज का सेशन है ये आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।